नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरु जी। दोस्तों, आज जो पजल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो SBI PO 2016 के मेंस में पूछा गया था। ये एक मेमोरी बेस्ड पजल है और इसे हमें भेजा है दीन बंधु ने। सो थैंक यू दीन बंधु हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है आपके सामने में। आप वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कोशिश की होगी और सॉल्व भी कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने। तो अब देखते हैं कि इसे सॉल्व किया कैसे करना था। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेवन पर्सन नेमली पी क्यू आर एस टी यू एंड वी नॉट इन द सेम ऑर्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एज अ ए एम असिस्टेंट मैनेजर एम जी मैनेजर। इस तरीके से सभी डेजिग्नेशन के नाम दिए हुए हैं। दे लाइक डिफरेंट सिटीज नेमली मुंबई जयपुर और सभी सिटी के नाम भी दिए गए हैं। मतलब बोला गया है कि सात लोग हैं, सात लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सभी की अलग अलग डेजिग्नेशन है और सभी को अलग अलग सिटी भी पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया गया है, नोट को पढ़ते हैं। पोजिशन हैज़ बिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपीरियंस। CEO इज मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन एंड असिस्टेंट मैनेजर इज लीस्ट एक्सपीरियंस। कहने का मतलब यह है कि जो भी डेजिग्नेशन हमें अरेंज करने हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करने हैं कि असिस्टेंट मैनेजर सबसे कम एक्सपीरियंस का होगा, सबसे जूनियर होगा, और जो CEO होगा वो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा। और ये चीज़ तो हमें पता भी है कि जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो सबसे कम एक्सपीरियंस का ही होता है। मतलब जितने भी लोगों की डिजिग्नेशन यहाँ पर दी गई है उतने डिजिग्नेशन में असिस्टेंट मैनेजर तो सबसे कम एक्सपीरियंस ही होगा। और CEO के बारे में भी हमें पता ही है कि जो सबसे ऊपर का ही होता है CEO होता है ना। अब देख लो, इसमें वैसे तो हम देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमें डिजिग्नेशन यहाँ पर पहले से दिया गया है, लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं भी दिया होता, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि कौन सा छोटा होता है डेजिग्नेशन और कौन सा बड़ा होता है, तो आप यहाँ पर फुल फॉर्म भी दिए हुए हैं, फुल फॉर्म देखकर भी अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा डेजिग्नेशन पहले आएगा और फिर कौन सा डेजिग्नेशन बाद में आएगा। नाम से भी पता है, देख लो, असिस्टेंट मैनेजर के बारे में दे रखा है कि असिस्टेंट मैनेजर सबसे जूनियर होगा, उसके बाद मैनेजर आता है, फिर हमें भी पता है कि असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर ही आएगा। उसके बाद फिर आप नाम से देख लो, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, जाहिर सी बात है कि जो जनरल मैनेजर होगा उससे तो छोटा ही होगा डिप्यूटी जनरल मैनेजर, है ना। और चीफ जनरल मैनेजर पता ही है कि जनरल मैनेजर से बड़ा होगा चीफ जनरल मैनेजर, तभी उसमें चीफ लगा हुआ है, डिप्यूटी में डिप्यूटी लगा हुआ है, वो जनरल मैनेजर से छोटा होगा, चीफ में चीफ लगा हुआ है वो जनरल मैनेजर से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैनेजर के लिए तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब देखो, डायरेक्टर लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो मैनेजर से तो ऊपर का ही होगा। फिर CEO लास्ट में आता है और CEO के बारे में तो यहाँ पर लिखकर भी दिया हुआ है कि वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करनी है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी डेजिग्नेशन है उसे फिक्स कर देना है नोट डाउन करके। ठीक है, तो यहाँ पर CEO सबसे बड़ा होगा तो CEO को हम लोग सबसे ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे नीचे में लिखते हैं। तो CEO को हम लोग एक बार सबसे ऊपर में लिख कर रख देते हैं यहाँ पर कि CEO हमारा यहाँ पर आ गया। अब CEO से छोटा कौन होगा? CEO से छोटा ED होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब उससे छोटा कौन होगा? हमारा CGM हो जाएगा, चीफ जनरल मैनेजर, CGM यहाँ पर आ गया। अब इससे छोटा कौन होगा? इससे छोटा GM हो जाएगा, जनरल मैनेजर। इससे छोटा कौन होगा? डिप्टी जनरल मैनेजर होगा, DGM। अब इससे छोटा कौन सा होगा? इससे छोटा हमारा मैनेजर हो जाएगा, MG। अब इससे छोटा लास्ट में हमारा असिस्टेंट मैनेजर आ जाता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ हमें करनी है पहले कि जो भी डेजिग्नेशन है उसे हमें बढ़ते हुए क्रम में रख देना है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से कर देते हैं। इस तरीके से करने के बाद हमें दो चीज़ें और नोट डाउन करनी है। वो कौन कौन सी चीज़ें नोट डाउन करनी है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो भी पर्सन्स हैं पर्सन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर जो भी सिटीज़ हैं उस सिटीज़ को नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पर जो भी अगर कोई पॉसिबिलिटी बनेगी तो उस पॉसिबिलिटी को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन में बोला जा रहा है, पहला कंडीशन ये है कि आर इज जूनियर टू ओनली टू पर्सन। आर जो है सिर्फ दो लोगों से ही जूनियर है, तो एक दो के बाद आर यहाँ पर आएगा, ये चीज़ क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। एस डज नॉट लाइक रांची, एस को रांची पसंद नहीं है, तो एस के लिए रांची हम लोग यहाँ पर लिख कर इसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। पर्सन हु लाइक्स चंडीगढ़ इज जूनियर टू टी बट नॉट अ लीस्ट जूनियर, यानी कि जो चंडीगढ़ से होगा वो टी से जूनियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चंडीगढ़ लिख देते हैं हम लोग, चंडी लिख देंगे, समझ जाएंगे चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो सबसे जूनियर नहीं होगा, सबसे जूनियर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सबसे जूनियर कौन है? असिस्टेंट मैनेजर है, यानी कि चंडीगढ़ हमारा असिस्टेंट मैनेजर के जगह पर तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु लाइक्स पटना इज सीनियर टू ED, यानी कि जो पटना पसंद करता है वो ED से ऊपर होगा, ED से सीनियर होगा। अब देख लो कि ED से सीनियर बस एक ही प्लेस बचती है, तो जाहिर सी बात है कि पटना हमारा इसी एक जगह पर आएगा, इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु लाइक्स रांची सीनियर टू यू बट जूनियर टू टी,
यानी कि जो रांची से है, यानी कि जो रांची पसंद करता है वो टी से जूनियर होगा, यहाँ पर रांची, ठीक है, और रांची वाला यू से सीनियर होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया कि जो रांची से है वो यू से तो सीनियर है लेकिन टी से जूनियर होगा, ठीक है। अब रांची यहाँ पर देख लो, रांची एस को पसंद नहीं होगा, तो इसको भी यहाँ पर एक बार काट देते हैं लिखकर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टी इज जूनियर टू सी जी एम बट सीनियर टू वी, यानी कि टी जो है वो सी जी एम से छोटा होगा, सी जी एम से छोटा होगा टी, लेकिन टी जो है वो आपका वी से सीनियर होगा, ठीक है। टी सी जी एम से तो छोटा होगा, जूनियर होगा, लेकिन वी से सीनियर होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। यू इज जूनियर टू वी एंड लाइक्स आगरा। अब यू जो है वो भी से जूनियर होगा, भी से आपका जूनियर होगा यू, लेकिन इसको आगरा पसंद है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर करके लिख दी गई है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसे भी यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। क्यू इज सीनियर टू टी बट नॉट अ मोस्ट सीनियर। क्यू जो है वो टी से सीनियर है, तो टी के ऊपर भी यहाँ पर लिख देते हैं कि टी से ऊपर में क्यू होगा, लेकिन क्यू जो है वो सबसे ज़्यादा सीनियर नहीं होगा, मतलब क्यू यहाँ पर नहीं होगा, क्यू को यहाँ पर लिखकर काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी टॉप लिख देते हैं, टॉप लिखने से हम लोग समझ जाएंगे कि सबसे ऊपर वाले पोजीशन पर क्यू नहीं आएगा, ठीक है, और काट देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी जी एम डज नॉट लाइक भोपाल। सी जी एम जो है वो भोपाल पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पर भोपाल लिख कर काट देते हैं, समझ जाएंगे कि सी जी एम में भोपाल को नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। वी इज जूनियर टू पी बट नॉट टू एस। वी जो है वो पी से जूनियर है, पी से जूनियर होगा कौन, वी, लेकिन वी जो है वो एस से जूनियर नहीं होगा, एस से सीनियर होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर कर देते हैं कि वी आपका पी से तो जूनियर है लेकिन एस से सीनियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी जी एम इज सीनियर टू वन हु लाइक्स जयपुर। सी जी एम जो है वो जयपुर से सीनियर होगा, सी जी एम के नीचे में हम लोग इस तरीके से करके जयपुर लिख देते हैं, समझ जाएंगे कि जयपुर सी जी एम के नीचे में ही कहीं पर आएगा, ठीक है। चलिए देखो, सारी कंडीशन हमारी नोट डाउन हो चुकी है, अब हम इसे यहाँ पर अरेंज करेंगे। तो कैसे अरेंज करेंगे, देखो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि टी से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जूनियर हैं, ठीक है। तो कौन सब जूनियर है एक बार उसको नोट डाउन करते हैं। देखो चंडीगढ़, रांची, अब देखो सिटीज को हम लोग अभी काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें यहाँ पर टी से नीचे में यू दिख रहा है, हो सकता है यू हमारा चंडीगढ़ हो, या फिर यहाँ पर वी दिख रहा है तो वी हो सकता है या तो चंडीगढ़ हो या तो रांची हो, है ना। तो इसीलिए सिटी को छोड़ के जितने भी पर्सन्स दे रखे हैं एक बार पर्सन को काउंट करके देखते हैं। तो टी के बारे में हमें क्या पता है कि टी हमारा सी जी एम के नीचे में कहीं पर आएगा, तो सी जी एम हमारा यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है कि सी जी एम के नीचे इन्हीं पोजिशन पर टी कहीं पर आएगा। अब देखो टी से कितने लोग जूनियर हैं उसको काउंट करते हैं। वी भी हमारा टी से जूनियर है, यू भी हमारा टी से जूनियर है, ठीक है। अब यहाँ पर एस देखो, एस हमारा भी से जूनियर है और भी हमारा टी से जूनियर है, तो जाहिर सी बात है कि एस भी टी से तो जूनियर ही होगा, भी से जूनियर है और भी टी से जूनियर है, यानी कि टी जो है वो, यानी कि एस जो है वो टी से तो जूनियर ही होगा, है ना। तो क्या दिख रहा है हमें कि एक दो तीन, तीन लोग ऐसे हैं जो कि टी से जूनियर हैं, ठीक है। तो एक बार हम काउंट करके देखते हैं कि कितनी पोजिशन हमारी बनती है टी के लिए, पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है। तो वी यू एस ये तीन लोग टी से नीचे आएंगे, तो एक दो तीन, इन तीन पोजीशन के बाद बस एक यही पोजीशन बनती है सी जी एम के नीचे में, सिर्फ एक यही पोजीशन बनती है जहाँ पे कि टी आ सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि टी हमारा यहीं पर आएगा, इतना तो हम अब कंफर्म हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि सी जी एम के नीचे में ही टी को आना था, और तीन के बाद तीन लोग तो हमें पता चल चुके हैं कि कौन कौन टी से जूनियर होने वाले हैं, तो तीन को छोड़ने के बाद बस एक यही पोजीशन खाली बचती है जहाँ पे कि टी आ सकता है, इसके अलावा दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जाहिर सी बात है टी यहीं पर आएगा। अब देख लो टी को हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया, अब क्या दिख रहा है हमें कि वी से यू भी जूनियर है और एस भी जूनियर है, वी यू और एस ये दोनों हमारे वी से तो जूनियर है, ठीक है। तो दो लोग जूनियर हैं वी से, तो एक दो के बाद वी के लिए बस एक यही पोजीशन बनती है। क्यों, क्योंकि टी से तो वी जूनियर ही होगा ना, इसलिए वी के लिए बस एक यही पोजीशन बनती है, तो वी को हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। चलिए वी हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब जाहिर सी बात है कि यू और एस ही इन दोनों प्लेस पर आएंगे, ठीक है, यू और एस इन दोनों प्लेस पर आने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पता है हमें कि टी के नीचे में रांची है और रांची के नीचे में यू आएगा, जाहिर सी बात है यू रांची पसंद नहीं करेगा, क्योंकि रांची से नीचे में यू को आना है, और रांची के बारे में ये चीज़ भी क्लियर है कि एस वाला भी रांची पसंद नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि यू और एस रांची से तो नहीं होंगे लेकिन टी के नीचे ही रांची आना है, ठीक है। तो यू और एस के लिए तो यही दोनों पोजिशन थी, यहाँ पर तो रांची आएंगे नहीं और टी के नीचे ही रांची आना है, तो रांची के लिए बस एक यही पोजिशन बन रही है जहाँ पे कि रांची आ सकता है, ठीक है। तो रांची हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये चीज़ कन्फर्म हो गई।
कि रांची को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या पता है हमें, देख लो, तो ये चीज़ तो पूरी नोट डाउन हो गई है, इसको काट देते हैं। अब देखते हैं, अब क्या पता है कि टी के नीचे में कहीं पर चंडीगढ़ आएगा, ठीक है। टी के नीचे में कहीं पर चंडीगढ़ को आना है, तो टी के नीचे में एक यहाँ पर रांची आ चुका है, ठीक है। अब ये दो पोजिशन बनते हैं जहाँ की चंडीगढ़ आना है, और यहाँ पर हमें पता है कि चंडीगढ़ नहीं आ सकता है, तो जाहिर सी बात है चंडीगढ़ के लिए एक यही पोजिशन बनती है, तो चंडीगढ़ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ यहाँ पर आ गया। अब देखो, यू और एस यहाँ पर आने थे, और यू के बारे में हमें सिटी कन्फर्म थी कि उसे आगरा पसंद है, तो यहाँ पर अगर यू को देंगे तो यहाँ पर तो चंडीगढ़ पसंद है, आगरा नहीं दे पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि यू हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा, और उसको तो आगरा पसंद है, ये चीज़ तो हमारी कन्फर्म थी। यू हमारा यहाँ पर जैसे ही आया, तो वी के नीचे यू और एस दोनों को आने थे, यू आ चुका है, तो एस के लिए बस एक यही पोजिशन बनती है, तो एस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या पता है कि टी के ऊपर में कहीं पर क्यू आएगा, और क्यू सबसे ऊपर नहीं आएगा, तो टी के ऊपर में कहीं पर क्यू को आना है, तो टी के ऊपर में बस यही दो पोजीशन बनती है जहां पर क्यू आ सकता है, और यहां के लिए हमें पता है कि क्यू यहां पर नहीं आ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि क्यू बस यही एक पोजीशन बनेगी, वहां पर ही आएगा, ठीक है। और सभी लोग देखो, 6 लोग आ चुके हैं, बस एक बचा हुआ है, उसके लिए भी हमें यहाँ पर पता है कि वी के ऊपर में पी आना है, ठीक है। वी के ऊपर में कहीं पर पी आएगा। अब देखो, वी के ऊपर में बस पी के लिए यही एक पोजीशन बनती है जहाँ पर कि पी आ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि पी यहीं पर आएगा। अब देखो, 7ों लोगों की पोजीशन हमारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारे पोजीशन जो कि नोट डाउन कर चुके हैं, उसको काट देते हैं। ये भी हो गया है, ये भी हमारा पूरी तरह से हो गया है, ये भी हमारा पूरी तरह से हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ठीक है। अब देखो, ये भी हम लोगों ने नोट डाउन कर दिया है। अब बस एक ये बच रहा है कि सीजीएम के नीचे में कहीं पर जयपुर आएगा, ठीक है। सीजीएम के नीचे में जयपुर के लिए बस एक देख लो आप, यही एक पोजीशन बनती है, बाकी सभी जगह तो सिटीज नोट डाउन हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि जयपुर हमारा इसी एक जगह पर आएगा, ठीक है। जयपुर यहाँ पर आ गया। अब देखो, दो ही प्लेस बच रहे हैं सिटी के लिए, जिसमें से कि एक के बारे में हमें पता है कि भोपाल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। भोपाल यहाँ पर नहीं आएगा, और हम लोगों ने कहीं पर भोपाल नोट भी नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि भोपाल यहाँ पर नहीं आएगा, तो बस एक यही जगह बचती है, तो भोपाल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बस एक ही सिटी बच रही है, सभी 6 सिटी नोट डाउन हो चुके हैं, तो कौन सी बच रही है वो हम एक बार क्वेश्चन में देख लेंगे। मुंबई को हम लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि मुंबई हमारा इसी एक प्लेस जो बच रही है वहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हो आप लोग दोस्तों कि हमारी ये पजल अब सॉल्व हो चुकी है, सभी 7ों लोगों की हम लोगों ने यहाँ पर डेजिग्नेशन के हिसाब से उनकी पोजीशन भी कर दी है, और किसे कौन सा सिटी पसंद है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पजल अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रही होगी, और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।